हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत करता हूँ युवा शक्ति जी के कुछ में। दोस्तों, आज वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में जो कि आप सभी का हाईएस्ट कटअप कम से कम 25 क्वेश्चंस रहना चाहिए, मतलब 30 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस कम से कम सही करना चाहिए, जिसमें कि जीके रहेंगे, जीएस रहेंगे, प्लस में हिंदी भी रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आज का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आपके स्क्रीन पे, और हिंदी से क्वेश्चन है कि उपयुक्त समास का चयन कीजिए। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा में कौन सा समास है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, कर्मधारय समास है महात्मा में। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है महात्मा में। कुल कितने समास है? तो 6 प्रकार के समास है कुल, जिसमें कि अव्ययी भाव समास, द्वंद समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास है। तो महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है महात्मा में। अब महात्मा में कर्मधारय समास को पहचानिएगा कैसे? तो कर्मधारय समास में जो कि विशेष और विशेषण या उपमान या उपमेय होता है, जैसे कि आपका महा जो है वह क्या है, आपका उपमेय है, और आत्मा क्या है, आपका उपमान है। जैसे ले लिए घनश्याम, तो घन क्या है, आपका उपमेय है, श्याम क्या है, आपका उपमान है। तो इस प्रकार से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड आपके स्क्रीन पे है कि आंख का काजल चुराने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएंगे, बहुमूल्य वस्तु चुराना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएंगे, आंख का काजल चुराने का मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुमूल्य वस्तु चुराना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड आपके स्क्रीन पे कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे, एक ही माँ के कोख से जन्मा हुआ का सही शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सोहद्दर कहलाता है। एक ही माँ के कोख से जन्मा हुआ का सही शब्द क्या है? सोहद्दर कहलाता है। मतलब एक ही कोख से दो को जन्मा हुआ क्या कहलाएगा? वह सोहद्दर कहलाएगा। जैसे हो गया भाई आपका क्या है, एक ही माँ के कोख से जन्मा हुआ, दो भाई क्या कहलाएगा? सोहद्दर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन, देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना को उत्तरी सीमा पर डॉट डॉट का अवसर मिला था। मतलब डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएंगे, हाथ दिखाने का अवसर मिला था। देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना को उत्तरी सीमा पर हाथ दिखाने का अवसर मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची है? तो हिरण का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएंगे फ्रेंड, सारंग हिरण का पर्यायवाची शब्द है। सारंग हिरण का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पर क्या बोले क्वेश्चन, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आत्मा जो उत्सर्ग बराबर आत्मोत्सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पे, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पे, 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भोर का तारा या शाम का तारा, पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके स्क्रीन पे कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार जो लिया गया है वह किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहीं से मौलिक अधिकार लिया गया, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जिसमें कि अभी भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, ब्रिटेन की संविधान से। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन की संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस की संविधान से लिया गया है, कानून की समानता का अधिकार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 12 के फ्रेंड आपके स्क्रीन पे पड़े क्वेश्चन क्या बोले कि रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएंगे, अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड आपके स्क्रीन पे है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शाहजहां के काल में हुआ था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके काल में, शाहजहां के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके स्क्रीन पे कि 1909 के रॉलेक एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे। 1919 रॉलेक एक्ट जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी करना था। मतलब किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था तुरंत गिरफ्तारी कर लिया जाता था, तो रॉलेक एक्ट को काला कानून के भी नाम से जाने जाते थे। यहाँ संदेह कर लीजिएगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी करना था, कोई भी व्यक्ति पर संदेह होता था तुरंत गिरफ्तारी कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके स्क्रीन पे कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1906 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके स्क्रीन पे कि पानामा नहर किसको जोड़ता है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएंगे, अल्टार्टिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के फ्रेंड आपके स्क्रीन पे पढ़िए क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, पहले कौन सा वंश की स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पहले मौर्य वंश की, उसके बाद शुंग वंश की, तब कुषाण वंश, तब गुप्त वंश की स्थापना हुआ था। पहले मौर्य वंश, तब शुंग वंश, तब कुषाण वंश, तब गुप्त वंश की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1969 में लागू हुआ था, राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके स्क्रीन पे कि जनसंख्या का महाविभाजन किस वर्ष हुआ था। जनसंख्या का महाविभाजन 1921 में हुआ था, जनसंख्या का महाविभाजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके स्क्रीन पे पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष पर, अक्ष तल पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है या अपने अक्ष तल पर झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने, 23.5 डिग्री राइट आंसर हो जाएंगे, अपने अक्ष तल पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके स्क्रीन पे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होंगे इसका। फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएंगे, सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके स्क्रीन पे कि लाल रक्त कण कहाँ बनता है। लाल रक्त कण कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके स्क्रीन पे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जाएंगे, फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड आपके स्क्रीन पे कि सल्फ्यूरिक का एनाहाइड्राइट क्या है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल का एनाहाइड्राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके स्क्रीन पे कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है परमाणु के नाभिक में। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएंगे, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके स्क्रीन पे कि लोहा पारे पर रखने पर क्या होगा। अगर लोहा को पारे पर रखते हैं तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तैरेगा। क्योंकि लोहा का जो कि घनत्व जो है कि पारे का घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वह तैरता है। अगर यही पानी की बात करें तो लोहा पानी में क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत का चालक कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएंगे, एल्युमिनियम विद्युत का चालक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपके स्क्रीन पे कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपके स्क्रीन पे, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी कौन सी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होगी, तो गति ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और आज का लास्ट सवाल है, इंडोस्कोपी किसके विधि से होता है, इंडोस्कोपी किसके विधि से होता है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है इंडोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, कुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आपने कुल कितने प्रश्न एग्जैक्ट सही किए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कटअप को जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करते, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि नहीं मत भूलिएगा।
तो चलिए मिलते हैं तब के लिए, जय हिंद जय भारत।